बड़े खूबसूरत कलाम इन्हें पेश की थी। टीमां दे सरजिंदे पहुंच गए इन्हां वास्ते भी बहुत सारी तारियां जी, थैंक यू जी। अजमल सदर 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 वो जिथे है ते अगे तशरीफ लियावे ते नाजरीन बगैर किसी देर तो महफल शुरू करने असं रिक्वेस्ट करने जनाब चौधरी शाम शाम गुजर साहब के स्टेज की रौनक बनो तशरीफ लिया जी चौधरी शाम गुजर साहब मोस्ट वेलकम। मेरे मोहतरम समाई इंतहाई काबिले एहतराम दोस्तों भराओ बुजुर्गो तुसां सारयां दी खिदमत विच अस्सलामु अलैकुम बाद अस्सलाम अज दी महफिल इक फकीर दी ड्यूटी जड़े के तुसां दे सामने इंतकाद तस्वीर है जेरे सरपरस्ती साईं जिक्र रहमान और चौधरी शबीर आफकिला चौधरी शाम अकरम शहजादा पठवार तशरीफ लाए ताली मार के इस्तकबाल करो जी माशाल्लाह समझ नहीं आता अल्लाह बादशाह है जागदा देखदा हर थावे हर किस नहीं सौदा अल्लाह बादशाह है हर एक अमल साजा रूबरू उसदे हर एक वक्त आउंदा अल्लाह बादशाह है तके लखा अयूब गुलजार साडे परदे रे पांदा अल्लाह बादशाह है कीती बई 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 मोहब्बे महबूब ताई कुल हो अल्लाह अल्लाह बादशाह है जो चाहे जो करे रज़ा उसकी बेनियाज अल्लाह अल्लाह बादशाह है मादर पिदर ना कोई औलाद उसकी ला शरीक कल्ला अल्लाह बादशाह है नहीं कोई उसका और हम सर सोदी वाह सुभान अल्लाह अल्लाह बादशाह है। हुन माइक जनाब चौधरी अच्छा साहब और चौधरी सी साहब ने वाले نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اجنی یہ تقریب صحیح
एक वली कामल मजजूब कलंदर साईं सादा सरकार रहमतुल्लाह अलैह ताला ने सालाना उर्स मुबारक ने सिलसिले मुनक़द हुई और इसने इस महफल की अरेंज करने नसेरा जड़ा है सज्जादा नशीन जिक्र रहमान साहब और मेरे भाई चौधरी शबीर और ब्रदर चौधरी शबीर साहब आज नी महफल मेहमान मियां रजवान मजीद साहब और मियां अरशद मोना साहब और इन्हें नाल जितने भी दोस्त अहबाब आए उन्होंने भी शुक्रिया अदा करने और जितने भी दूर दराज तो साढ़े मेहमान आए इस महफले बाग में मेरे मोहतरम राजा यकूब साहब और मेरे भाई राजा महबूब साहब जबर तो मोहतरम जंगीर साहब और इन्हें नाल जितने भी दोस्त अहबाब इस महफले बाग में आए सब शुक्रिया अदा करने और सारे साहिबाना की मेरी तरफों चौधरी अहतशाम अकरम साहब की तरफों सारी दो पार्टियों की तरफों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू बाद सलाम हजरत अली करमुल्ला वजल करीम ने कौल पाक है कि इंसान नी छाती मन दे दुकान ओड़ी और जबान उसने ताला जिसले ताला खुलना उसले पता चल जाना कि दुकान च केड़ी केड़ी शय मौजूद है। तो इसने तर्जमानी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने इस तरह फरमाई कि जो कुछ शह अट्टी जो सी सोई वेचण बंजारे हिक बंजारे मोती वेचण हिक वेचण कचकारे। तो असा इंशाल्लाह ये कोशिश कर सा इस महफिल च बेशुमार आशना चेहरे इस महफिल बाग में मौजूद है मेरे भाई सदर अजमल साहब और इन्हें नाल जितने भी मेहमान आए चौधरी जफर साहब वसीम साहब और इन्हें नाल जितने भी मेहमान चौधरी अफताब साहब मीरपुर तो और जितने भी दूर दराज तो सारे मेहमान साहिबान इस महफिले बाग में आए हो सारे की असं तहत दिल नाल उन्होंने शुक्रिया अदा करने सरकार ने यही फरमाया कि शेर के इसरार से मारम नहीं लेकर शेर के इसरार से मारम नहीं लेकर ये नुक्ता है तारीख उम है जिसकी तफसीर जो कुछ आजकल स्टेजों पर होना पे जाहिर है सारे को ये चीज गलत बाहर नहीं होनी लेकिन इकबाल सरकार फरमाना कि शेर के इसरार से मारम नहीं लेकर ये नुक्ता है तारीख उम है जिसकी तफसीर वो शेर वो शेर मकाम हयात अबदी है या नगमा जबरील है या बांगे शेर से रोशन है जाने जबरील वाय रमन रक से मौसीकी से है सौजे सरूरे अंजमन पर यूं फाश करता है चीनी यकीन इसरारे फन शेर गोया रूहे मौसीकी है और रक्स उसका बदल एक जय इकबाल सरकार ने फरमाया कि निगाहे फकर में सिकंदरी क्या है खराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है खुदा से तुझको बुत्तू से तुझको उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदें वो मुझे बता तो सही और काफरी क्या है फकत निगाह से होता है फैसला दिल का ये जड़ी शेरखानी है साड़ी मेरे उस्ताद सूफी मोहम्मद आरिफ मरहूम लेकिन जड़ी असा शेरखानी पेश करने आते ये कोई मन है या ना मन है जितनी मोहब्बत चौधरी अकरम साहब पेश किया सेरा किसी और शेरखान ने सर ना गया ना जाना इस तू बाद
कोई पिया जोर लै जो करे उसकी अपनी मर्जी है। तो मैं दे गल आखसा कि स्टेज जड़े असंगी अल्लाह बाद अवला शरीक ने अनायत फरमाए इन्होंने बारे च भी बड़ी पूछ पाछ होती कि इतने लोग के मजमे च थोड़े लोग नहीं असं किसी सुनने वाले होने अगर अस हक की गल पासा अज भी तुसना भी फायदा है साड़ा भी फायदा है दुनिया अर्जी है इतने हर एक बंदा चलन हार है उस जाना ही जाना है सफर करना तो कोशिश ये करनी चाहिए वो गल पाओ जिस अज भी तुसों की फायदा वह सुनने वाले की फायदा वह कल मारो से माशर भी तुसों की फायदा वह और सुनने वाले की फायदा वह ऐसा ना वह कि अपना भी जागना रहेगा और दुए ना जागना रहेगा। तो इलामा साहब सरकार ने फरमाया कि फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, ना हो निगाह में शौकी तो दिल भरी क्या है, किसे नहीं तमन्ना ये सरवरी लेकर, हर एक बंदे की ख्वाहिश है किसे नहीं तमन्ना ये सरवरी लेकर वो खुद ही की हो जिसमें मौत, वो सरवरी क्या है, खुश आ गई जहां को कलंदरी मेरी वरना शेर मेरा क्या है और शायरी क्या है। तो असा ये कोशिश कर सो भरा कि तुसा की यादगार महफिल सुना। कोई एक बड़ी खूबसूरत गल हजरत इमाम अहमद बिन हमर रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने कि जिसले आप कैद विच से ना ते आप काफले विच जिसले उन्हें की तरोई ते खड़ने पे से उस खलीफा ने जड़ा उसने वक्त ना हकम से उसने अवारी ते अगु एक सफा चीज ना बंदा असना पे अच्छी ते अपना सरकार की मैं तुसा की जड़ने हो आपने फरमाया मैं तुम्हें पहली बारी तक किया तो एक गल अपना कि मेरा नाम जनाब ने जिसने उस डाकू ने जवाब दिता कि मैं इस वजह से इना तारफ कराना पिया क्योंकि उस वक्त जो हाकम से इमाम अहमद बिन हम्बल की आना सी गल आखो कि कुरान मखलूक है। तो सरकार ने जिसने उस डाकू के जवाब दिता वो डाकू एक लहड़ा कि जितने भी तुसों की बंदे रूई दे खड़ने पे मैं बेशुमार वारी घोड़े खाते बेशुमार वारी गिरफ्तारियां दी दियां लेकिन मैं डाका जानी नहीं छोड़ी। तो तुसा अगर हक भरे हो तो इन्होंने घोड़िया ने डरने हक ना छोड़ दिया। तो सरकार जेल ने अंदर भी कैद ने दौरान भी सरकार उस वो जड़ा डाकू से उसने से दवा करने के रब्बुल आलमीन इसने तौबा तो कबूल कर और इसने दिल की फेर दे अपनी तरफ। तो गल करने का मकसद है कि जिला सरकार को गल पूछा गया वह तू इतनी सोबता बर्दाश्त करना है उसने वजह क्या तो तू एक लफ्ज ही आना था छोड़ा। तो सरकार ने फरमाया मैं ना सकना लेकिन मैं मरसा अगर बड़ा रूह अल्लाह ने परवाज इस जिंदान ने अंदर किया जेलखाने किया जिसल मेरा जनाजा उठ सी उस लोग ये गल तक कि हक पर कौन है और गलत कौन है। तो इस तरीके के जड़िया महफल होनी महफल जो समाइन बैठे होने वो भी जज नहीं मानत हो रहे और फैसला दे सकते जिस तरह अज नहीं महफल ना एक करोड़ जरा सा सामने है जितना बड़ा है बड़ा इसने कोई कितना भी जोर लै कितना मुबालगा राई करे उसने कोई मकसद नहीं होना रिस्क क्योंकि कोई किसी ने बंद नहीं कर सकता ये उस मालिक ने आता है जितना उस देना जिस वक्त देना और जिस जिस टाइम देना उस देना ही देना है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिंदगी ने चंद लम्हात दे तुसां कोल ये अमानत है रब्बुल आलमीन दी तो कोशिश करो अपने सुनने वाले की हक बयान करो हक बयान ही करो ऐसा नहीं कि तुसां कुरानी आयतां और हदीस नबवी की पेश करो लेकिन अपना अमल ही ना वे ऐसियां किताबां पढ़ लेना कोई फायदा नहीं। तो कोशिश ये करनी चाहिए तो मेरे भाई चौधरी श्याम साहब है समझना कि यही बड़े फखर की बात है कि असा अगर दूर रही है इतने कोसा मीला दूर ने फासले पर रही है अगर उस शख्सियत ना इतनी मोहब्बत करने हैं तो उस घर ने चश्मो चरा गए इना कि मैं ना सोचना कि भाई शगिर्दी या उस्तादी या किसी भी मर्तबे की जरूरत कोई नहीं अगर कोई मन है प्या ना मन है तभी उसकी मर्जी है।
उस मालिक ने जो इन्होंने अनायत फरमाया मैं समझना कि जितने भी शेरखान ने इसने ये उन्होंने अंदर भूखी रहा सी तो बाकी 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 आज नहीं मैं फल जड़ी आया इंशाल्लाह संदोए परा कोशिश कर सा तो सा ये सुनियर इलाका है असा एक बहुत तवील अरसा पहले इधरोला मछवा सुना होला सा उसका भी इस एरिया में महफिल जो साहब ने सुनी असा तो इंशाल्लाह कोशिश कर सा कि तुसा ना ये जो आज ना मजमा है बावसीला ये हजरत साईं साडा सरकार जिंदाबाद औला शरीफ असा ने यादगार मजमा बनाया और तुसा जितने भी साहिबान आए हो इसमें सजादा नशीन मौजूद है गद्दी नशीन हजरत मौजूद है अल्लाह वादा औला शरीफ सारे की झोलियों की भरपूर फरमाए तो थोड़ी जी देर साजी ना होसी उसने तो बाद इंशाल्लाह महफिल शेरखानी होसी एक कोशिश करनी कहनी तकदीर किस पर नहीं हर एक बंदा अपना जिम्मेदार है और वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे असा ने गल करने का मकसद है कि जो उसका चेहरा सामने है लोगों ने वो उसका वातन होना चाहिए तो हजरत मेरा सिलसिला है नौशाही कादरी ने जदे हम जदे हाजी मोहम्मद नौशागंज बख्श सरकार के फरमाया था कि दरवेशी क्या चीज है अंदर बाहर साफ सर में ओरे में ओरे ना जुबा ना गला तो थोड़ी जी देर साजी ना उसी उसने कहा तो सारे अहबाब एक बार कलमा शरीफ याद करो एक कलमा पढ़ना या पढ़ाना या याद करना मकसद है होना कि शैतान इस महफिल से दूर हो जाए थोड़ी जी देर साजी ना उसी उसने दोबारा अगर चोई साहब को गल करनी है तो ठीक है नहीं तो साजी ना उसी उसने दोबारा इंशाल्लाह 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 महफिल शेरखानी
लेकिन गल भाई
आपसी दुश्मनी जम कर कर लेकर को जायज रहे जब कभी आपस में एक को शर्मिंदा ना हो। सारी जिंदगी माड़े बाप ने मुखालफ रहा चौधरी तनवीरा सी जड़ा सारी जिंदगी उस मुखालफत की थी और आज आप ने सर्विस था उसने वालद जेड से चौधरी जैन साहब रजन सिंह का दुर्गत दो से लेकिन वो इस काबिल क्या करने की जद पोतरा आ की सकता सारी जिंदगी मुखालफत कर रहे बावजूद इस तरह की मुखालफत की जिसकी आज मेरी दस पोतरा आपने उसकी कोई शर्म महसूस नहीं होनी तो मैं भी इंशाल्लाह उसे अपना बड़ा भरा समझना ठीक है दुश्मनियां करो खासा करो लेकिन इस तरह करो किस तरह मर्द कम होना जड़े कम होना जनानिया वाले को होली चंगे होने दूसरी गल के यकीन करो के सरकारी अली ने बोला के तुसा अगर हक ने रस्ते तुरने हो हक ने रस्ते तुरने हो अगर तुसा वास्ते कोई रुकावट कोई मुश्किलात नहीं असनी की तो थोड़ी देर वास्ते सोची करो शायद तुसा किसी जगह तू गलत हो क्यों क्योंकि सीधा रास्ता है ही मुश्किलात और मुश्तमेला जेड़ा सीधा रास्ता है लेकिन अमूमन हर बंदे ने दिल होना कि मैं रशिया में ना पढ़ा रशिया च ना पढ़ा तो इस रात को रुकी रोड लगा है तो उसने अपना सफर राम में लगा था क्या हाल है बाबू जी तो माले की आग साथ जब वो टूटने आए थे अल्हम्दुलिल्लाह परेशानी हुई कि क्या हमने कल आई जाना है इस रस्ते तुरने परेशानी नहीं हुई क्योंकि मिगी रश नहीं लगा राह साफ भी लबड़ा क्योंकि कल आई जाना है तो इस गल्ला ने कोई मेरी परेशानी नहीं हुई रहसा हमेशा अपनी लेना प्रे ता अपने हक पर कोई सच्चा वे कोई कमे वे कोई चंगा वे कोई मंदा वे सारा कुछ बाहर एक पासा वे मैं उठा ही रह जिथे त्यों सा उठा ही रह चाहे मर डाल कोई एक कलता वे तो वे एक भी नहीं लेकिन हक जड़ा उसकी नहीं छोड़ना चाहिए हक करना चाहिए चौधरी रशीद साहब साढ़े बड़े भरा बहुत अच्छे शरफाने और यकीन मनो कि ना हक पर गो गल हक पर इन्हें गुफ्तगु की मैं इन्हें दाद देना और इन्हें नए नए ताड़ियां मारियां मैं अमूमन एक गल कर रहा हूँ कि कोई बंदा भी आ हर बंदा साढ़ा भराया साढ़े वास्ते काबिल एहतराम है सब शेरबान जितने भी थे इन्हीं के माड़े आखने ना कोई घट हो जा सी कोई बात हो जा सी नहीं इस तरह नहीं हो सकना किसी ने आखने ना ना कोई घट होना ना बात होना अगर बंदा घटना तो अपने किरदार ना अगर बदना तो अपने किरदार ना ठीक है तो इस तरह नहीं बदना लेकिन असाने अल्लाह पाक हर कुछ इज्जत दे सरकारी अली फरमाया कि जेड़ा बंदा किसी वास्ते दुआ फिर मराद मैं यकीन करो कलमा को मुसलमान म्याणा अल्लाह पाक हर कुसे की इज्जत है उसने सदका साड़ी ठीक है जी तो मिकी इस तू अगे दाग नहीं लोड़नी है जने दाग लोड़ने ले बिल बेशक लोड़ लेकिन माड़े वास्ते इस बने माड़े वास्ते की है बहुत बड़ा इजाज है चौधरी अकरम ना पुत्र राजा और तो कह तक हर काम मरना नु ले सकना लाई सके लाई छोड़ लेकिन जिस तरह ना लाया ने मैं पूछा उधर खून नहीं निकलना इसने अंदर खून चौधरी अकरम रहा तो ये नाम नहीं लैन लगा तो और नहीं कुछ चाहिए ना नहीं है ना ही मर दे बहुत तो इंशाल्लाह कोशिश कर सब सब जुर्गा प्राप्त हो सब कुछ करिए है क्योंकि मैं फल इतना फकीर नहीं है तो
खूबसूरत गल साहब की थी साढ़े बड़े प्यारे मौसम ब्रदर परवेज भट्टी साहब यूके नाटी काम नाल उन्होंने अलग है उन्होंने मोहब्बत नाल असं दोए भरा बैठे हुए हैं तो एक शेर समर साहब का दोस्त नजर है शार कहना बेलिया नजर रखी जुड़ना उसने फसल सामने हाल है बहुत बैरे अमी तुमता सीना है सदा फसल Thank you.
ये तू रहमान रहीम
कि जब हर है तो हम नहीं, जब हम हैं तो हर ना, कि जिस बंदा मौजूद है और रब्बुल आलमीन जड़ा है वो उसने दूरा, अगर वो अपने आप की मैं तो बेहतर सरकार फरमाने के जब हम हैं तो हर ना ही, जब हर है तो शेर उसका समझाता है जा।
شیر اور اسرائیل اما صاحب سرکار نے کیا فرمایا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر بروز محشر عذر ہائے من پذیر کہ تو دان جہانا نہ غنی ہے اور میں تیرے در نہ گدا دارا جس طرح دنیا پر رہنے ہویا ماڑے پر احسان کرنا رہے ہیں اسی طریقے نال کتنے کی بار ہوے بادشاہ دی گڑی گڑی کہ ور حساب افرا نہ وزیر اگر میرا نام ہے مال تیرے سامنے پیش ہو جائے تے او بخشش نے قابل نہ ہے تے ہی احسان جتا ہے کرنا از نکاح مصطفی بن حمگی پھر میرا نام ہے مال جڑا ہے میرے کریم آقا نے سامنے تو نہ گزاریا کہ میں گنہگار ہوں تیری وجہ تو میرے کریم آقا کی باروز معاشر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے تو ایک شعر 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 ماسٹر نشا صاحب نے شعر کیا نہ دے دیا ये तो साड़ी है तेरा ये दीदार
उस्ताद
مالک مشہور نے شاعر گزرے انہوں نے دوست نظر I love you.
शेर राजे इलाज सरकार में तुम्हारी नजर है, बड़ा प्यारा शेर तुम्हारी नजर हो इसे लागे बहुत मशहूर मरूफ हस्ती चेयरमैन अदालत साहब अल्लाह पाक को जन्नत नसीब कर। इस तो कबल जरा मैं प्रोग्राम किया उन्होंने बरसी का इतना किया उन्होंने अजय चौधरी अजीज साहब इस बैग के बैग में वेलकम आना है। साढ़े वाल साहब के बहुत प्यारे दोस्त है चेयरमैन अदालत साहब तो सरकार फिर बनेगी
ਦਿਆ ਸ਼ੇਰ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਚੌਧਰੀ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ 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 ਸਕਸਵਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ
Yeah.
अगर कोई गलती बताई जाए तो माफ कर दी जो हिसाब से औखा हो जाए।